नमस्कार, नीतू किचन में आप सभी का स्वागत है। आज नीतू आपके लिए मैंगो लस्सी की रेसिपी लेके आई है, जो बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए मैं इसका आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंगो लस्सी को बनाने के लिए देखिए क्या क्या लगेगा। दो आम ली हूँ मैं, दो बड़े पके हुए आम को छील के रखी हूँ, और एक कटोरी दही ली थी, जिसमें से आधा कटोरी इसमें देखिए मैं रखी हूँ, और आधा कटोरी को हंकड़ बनाई हूँ, मतलब सूती के कपड़े में बांध के उसको रखी हूँ, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल गया है। और एक कटोरी गुड़ ली हूँ, इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालना है, और थोड़ा सा मधु लगेगा, और चार हरी इलायची। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। बता देती हूँ, अगर आपके गुड़ में थोड़ा भी, जैसे कभी कभी होता है ना गन्ने का छिलका विलका रहता है, तो आप गुड़ को पानी में भिगा के रख दीजिए। मेरा गुड़ एकदम साफ़ है, मैं किस के रखी हूँ देखिए, इसमें कुछ नहीं है। देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ, गुड़ एकदम साफ़ है मेरा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। अगर आपके गुड़ में कुछ भी हो तो उसको आप पानी में देके उसको छान लीजिए, पानी में देके अच्छे से घोल लीजिए। घोलने के बाद उसको छन्नी से छान लीजिए, ताकि जो भी उसमें कचड़ा रहेगा वो निकल जाएगा। तो अब इसमें जब देखिए मैं गुड़ डाल दी हूँ, अब इसमें जो दही है आधा उसको डाल देंगे, और जो आम रखी हूँ उसको भी इसमें डाल दूँ। एकदम ईजी है बनाना, बहुत आसान है। तो पूरे आम को इसमें मैं डाल देती हूँ, और जो इलायची दिखाई थी मैं आपको, देखिए इलायची का मैं छिलका निकाल दी हूँ, ये पक्का चार इलायची है, इसको इसमें डाल के इसको पीस लेंगे। तो देखिए ये पीस गया है, देखिए कितना गाढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं इसमें एक भी बूंद पानी नहीं दी हूँ। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी दे देते हैं, ये इस टाइप से आधे ग्लास, ठीक है, और इसमें एक बार और चला दो। तो देखिए ये देखिए कितना अच्छा पीस गया है। अगर आपको पतला चाहिए रहेगा तो आप इसमें पानी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे को इतना ही चाहिए। अब जो दही को मैं छान के रखी थी ये, अब इसको एक बाउल में ले लेते हैं, और इसको अगर आप ठंडा खाना चाहती हैं तो इसको जब आप कपड़े से बांध के निकालेंगी ना, तो इसको आप फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा, तो ये एकदम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको फेंटिएगा। तो मैं इसमें देखिए हंकड़ को एक बाउल में डाल दी हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार मधु डालूंगी। अब आपको जितना मीठा पसंद है ना, मैं इसमें शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसमें मैं मधु 2 से 3 चम्मच डाल देती हूँ, और इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। इसको इतना फेंटना है ताकि ये एकदम क्रीम जैसा हो जाए। तो देखिए ये अच्छे से फिट गया है, ये देखिए। तब इसमें मैं इतना सा छोटा एक जो इलायची होता है ना, उसको पीस के इसमें डाल दीजिए, ताकि इसका स्वाद अच्छा लगेगा आपको। देखिए मैं एक ग्लास में नॉर्मल पॉलीथीन को डाल दी हूँ, अब इसी में जो मैं ये हंकर्ड तैयार की हूँ इसको डाल दूँगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसमें डालिए। ऐसे पॉलीथीन के अंदर मैं वो हंकर्ड वाला जो दही था उसको डाल के एक रबड़ लगा दी हूँ। अब चलिए मैंगो लस्सी आपके लिए सर्व करती हूँ। तो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैं नॉर्मल 2 ग्लास ली हूँ, इसमें सारे मैंगो लस्सी को डालूंगी। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। अब जो ये मैं बैग को रेडी की हूँ, इसके मुंह को थोड़ा सा काट दूंगी सामने से, और इसके ऊपर से इसको डाल दूंगी। और इसके ऊपर एक छोटा छोटा पुदीना का पत्ता आप सिर्फ सजाने के लिए रख सकते हैं। तो देखिए मेरे मैंगो लस्सी रेडी है। अब इसमें मैंने इसको डेकोरेट किया है पुदीने के पत्ते, आम के छोटे छोटे पीस से, और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं इलायची का दाना डाल दी हूँ, और इसमें जितना ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है अगर, तो आप उसको डाल सकते हैं। जैसे मैं इसमें किशमिश डाल दे रही हूँ, एक बादाम डाल दे रही हूँ, और एक काजू दे रही हूँ अगर आपको पसंद है तो, वरना ये ऐसे ही देखने में लाजवाब लग रहा है। तो ये बहुत ही हेल्दी है, बनाइए और नीतू को खाइए, सपोर्ट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।